हरियाणा के करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने राजा राजेश्वर मंदिर में किए दर्शन। मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को अंग वस्त्र पहनाकर किया सम्मान। करीमनगर के मंदिर में पीएम मोदी ने किया गो पूजा, गाय को खिलाया चारा, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। पुंछ में IAF काफिले पर हमले का मामला, 3 आतंकियों की तस्वीरें आई सामने, हमले में पाक कनेक्शन आया सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन एयरफोर्स पर हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में जुटी है सेना के जवान। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले का मामला, सेना ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, सभी से पूछताछ जारी। कुलगाम मुठभेड़ का दूसरा दिन, तीसरे आतंकी के शव की तलाश जारी, कल TRF आतंकियों के 2 शव हुए थे बरामद। तो आपको बताएं कि प्रचार का दौर चरम पर है। इस बीच अब प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कन्नौज से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव है, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनसे खास बातचीत की गई हमारी सहयोगी प्रियंका की ओर से। कन्नौज में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, एक कद्दावर नेता हैं और कन्नौज से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ये कहा जाता है चुनाव की रपटीली राहों का सफर जो है, अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो कन्नौज की गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। कन्नौज की गलियां हैं तो बहुत पुरानी, और गलियों में न केवल इतिहास छिपा है बल्कि इन गलियों से ही सुगंध न केवल देश में बल्कि दुनिया में पहुंचता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि देश के प्रधान सांसद कन्नौज से किनारा कर गए, किनारे से कन्नी काट के चले गए, उन्हें भी ये महसूस हो गया है कि कन्नौज के लोग सकारात्मक राजनीति के साथ हैं। जो नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया था, आज सबसे बड़ा कोई शिकार हुआ है नेगेटिव नैरेटिव का तो भारतीय जनता पार्टी। वो कहते हैं ना, कहावत है कि अगर आप गड्ढा दूसरे के लिए खोदते हैं तो एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिरते हैं। ये सुगंध, कन्नौज, यहाँ का कारोबार हम सबको जोड़ता है, कारोबार जोड़ता है। एक दूसरे से हम जब कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो हमें जोड़ता है। कोई किसी समाज का, कोई किस जाति का है, भारतीय जनता पार्टी कभी कारोबार को बढ़ाती नहीं है, जो खुशहाली का रास्ता है उसको रोकती है। इसीलिए मैंने कहा, जिन्होंने हमेशा नेगेटिव नैरेटिव तैयार किया, इस बार वो खुद ही नेगेटिव नैरेटिव के शिकार हो गए और देश के प्रधान सांसद कन्नौज से किनारा करके निकल गए। ये कन्नौज के लोग जानते होंगे, कोई चुनाव रहा होगा, प्रधान सांसद यहाँ जरूर आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार लगता है आशीर्वाद वो हम लोगों को दे करके गए हैं। लेकिन आप जिन पर नेगेटिव परसेप्शन का आरोप लगा रहे हैं, वही भाजपा ये कह रही है कि आप लोगों को आरक्षण के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण का सवाल बहुत बड़ा है और इसमें आप लोग भी कन्फ्यूज ना हो। कन्फ्यूज इसलिए ना हो कि पिछड़े वर्ग को बांध के रख दिया। अगर पिछड़ा वर्ग बांधा ना होता और जो मूल आधार है, जो मूल भावना थी आरक्षण की, उससे खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण है और जाति के आधार पर इसलिए है क्योंकि हम जाति के आधार पर गरीब हैं। इसीलिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जाति के आधार पर आरक्षण है, और धर्म के आधार पर आरक्षण कोई नहीं दे सकता। जो जातियां पिछड़ी हैं, जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका बीजेपी ने आरक्षण छीना है। मान लीजिए जितना निजीकरण हो जाएगा, क्या नौकरी नहीं छिन जाएंगी? जितना कारोबार सरकार के हाथ से छूट करके प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो नौकरी और रोजगार सब छिन जाएगा। तो आरक्षण कौन छीन रहा है? बीजेपी के लोग छीन रहे हैं। बीजेपी के लोग परिवारवाद का आरोप भी आप पर लगा रहे हैं कि सिर्फ 5 यादवों के अलावा कोई और यादव इन्हें नहीं दिखा। और देखो, ये बड़ी बात है, ये बीजेपी इतना कंफ्यूज है, इतना कंफ्यूज है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सर, कंफ्यूजन का आपके ऊपर भी था। जो लोग 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं, और टिकट का कन्फ्यूजन कभी नहीं था। ये कन्नौज वो है जिस गली में हम लोग राजनीति सीखे और यहाँ से शुरुआत की,
कन्नौज की जनता ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया। एक आध बार विपरीत परिस्थितियां रही होंगी जिसमें हम ही अपनी वजह से धोखा खाए होंगे, लेकिन इस बार कन्नौज पूरा हिसाब किताब करने जा रही है, खासकर उन लोगों के साथ जिनका होर्डिंग से चेहरा गायब है। अरे डबल इंजन की सरकार है, अपने खटारे इंजन का तो फोटो लगा देते, अपने खटारे इंजन का फोटो ही नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि वो खटारा इंजन वो स्वीकार नहीं करना चाहते। राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए भगवान सबके हैं, केवल हमारे आपके नहीं है। सवाल ये है कि आप भगवान को किस रूप में ले रहे हो। हम अब आस्था है, भगवान हमारे हैं, भगवान को हम मानते हैं और सब भगवानों को मानते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थी हैं। देखिए आपको मैं कहूँगा, आप गाड़ी उठाइए जहाँ पर भगवान श्री राम सबसे पहले जिनकी पूजा पाठ करके गए थे, उसके बाद गए थे आगे। मैं सबसे पहले वहीं जाऊंगा, उसके बाद आगे का रास्ता तय करूंगा। अखिलेश जी, आपने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला आखिर इतना देरी से क्यों किया? देखिए देरी और जल्दी ये हमारी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी हो सकता है। और देरी नहीं होती राजनीति में। आपने फॉर्म भरा ना, तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी कि आप आखिरी वक्त तक फॉर्म भर सकते हैं, तो आखिरी वक्त तक फॉर्म भरा। लगातार बीजेपी कह रही है भागना चाहते हैं, उन्होंने भागने नहीं दिया मैंने कन्नौज से, बस ये समझ लो आप। क्या पिछली हार का पिछली जो कन्नौज छोड़ के भागना चाहते थे उन्हें मैंने भागने नहीं दिया कन्नौज से। कन्नौज जो है सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने सेंधमारी की कोशिश की, इस बार आपको लगता है? देखिए गढ़ नहीं घर बोलो, और घर भी अगर गढ़ है तो अच्छी बात है, सेंधमारी कभी कभी हो जाती है। और मुझे पूरा भरोसा है इस बार कन्नौज की जनता पर कि कन्नौज की जनता पुनः विकास के लिए वोट देगी। जो कन्नौज का इतिहास, जो कन्नौज का विकास समाजवादियों ने किया, उस दिशा में एक बार फिर मतदान करेगी कन्नौज की जनता। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आ रही है, जहां पर एसपी के एक उम्मीदवार के कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के कथित नारे की बात सामने आई है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें समर्थक पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी का ये वीडियो सामने आया है। एसपी एमएलए के जनसंपर्क में नारेबाजी का आरोप है। पुलिस अब इस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। बीजेपी ने नारेबाजी पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस दौरान लगाए जा रहे थे। यही वो वीडियो है जिसमें कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए इसकी जांच होना जरूरी है। बीजेपी ने जांच की मांग की है, इसकी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि हकीकत क्या है। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक आपत्तिजनक नारा लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा। इसकी जांच इंस्पेक्टर मुबारकपुर और साइबर सेल को सौंपी गई है और टीम रवाना कर दी गई। जो आदमी नारा लगा रहा है उसको पूछताछ के लिए लाने के लिए और शीघ्र ही जो जांच में पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ये कहाँ का है। पुलिस ये जानकारी करेगी वीडियो कब का है और ये ऐसा तो नहीं फेक वीडियो है और किसी दूसरे के का साउंड किसी दूसरे वीडियो मिक्स किया गया है। पुलिस इन सभी पहलुओं पर जाँच करके नियमानुसार कार्रवाई करेगी। चाहे तेलंगाना की बात हो, हमारे देश में सामर्थ्य की कभी कमी नहीं रही, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इतने वर्षों तक एक ही काम किया। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने देश के हर सामर्थ्य को तबाह किया कि नहीं किया? कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया कि नहीं किया? एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर, ये सदियों से भारत की ताकत थी, कांग्रेस ने उन्हें भी तबाह कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। मित्रलारा, कांग्रेस मन चूस्तुन्नामो देशंलो इंत समर्थत उन्ना तेलंगाणलो कूडा इक्कड प्रजलकु अनेक रंगाल्लो कूडा
సమర్థత ఉన్నా మరి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఈ సమర్థత ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వ్యవసాయ రంగాన్ని కానివ్వండి ఆర్థిక రంగాన్ని కానివ్వండి ఏ రకంగా అణిచివేసి కేవలం ఒక సమస్యల వలయంగా మార్చినటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను భాయ్యో బహనో పిచ్చలే దస్ వర్షో మే ఎన్డీఏ నే హర్ సెక్టర్ కో భాజపా ఔర్ ఎన్డీఏ నే హర్ సెక్టర్ కో ఆగే బడానే కా కామ్ కియా హై హమ్ ఫార్మింగ్ సెక్టర్ కో మోడర్నైజ్ కర్ రహే హై హమారా జో ఖేతీ హై కిసానీ హై హమారా జో రైతు బంధు హై నేచురల్ ఫార్మింగ్ నేనో ఇరియా ఆర్ డ్రోన్ కో ప్రమోట్ కర్ రహే హై ఆజ్ కిసాన్ కో కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి మిల్ రహీ హై కిసానో కో ఫసల్ బీమా యోజనా కా లాభ మిల్ రహా హై హమారీ సర్కార్ దేశ్ మే టెక్స్టైల్ పార్క్స్ బనా రహీ హై ఆజ్ కౌశల్ వికాస్ సే లేకర్ ఆర్థిక సహాయతా తక్ హర్ స్తర్ పర్ భాజపా సర్కార్ ఆప్కే సాథ్ ఖడీ హై మిత్రులారా 10 సంవత్సరాలుగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము అన్ని రంగాల్లో ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ పోతున్నదో तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने राजा राजेश्वर मंदिर में किए दर्शन मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को अंगवस्त्र पहनाकर किया सम्मान करीमनगर के मंदिर में पीएम मोदी ने किया गो पूजा गाय को खिलाया चारा लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया पुंछ में आईएएफ काफिले पर हमले का मामला 3 आतंकियों की तस्वीरें आई सामने हमले में पाक कनेक्शन आया सामने जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन एयरफोर्स पर हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी आतंकियों की तलाश में जुटी है सेना के जवान पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले का मामला सेना ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया सभी से पूछताछ जारी कुलगाम मुठभेड़ का दूसरा दिन तीसरे आतंकी के शव की तलाश जारी कल टीआरएफ आतंकियों के 2 शव हुए थे बरामद तो आपको बताएं कि प्रचार का दौर चरम पर है इस बीच अब प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं कन्नौज से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव है वो क्या कुछ कह रहे हैं उनसे खास बातचीत की गई हमारे सहयोगी प्रियंका की ओर से कन्नौज में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी एक कद्दावर